मैं कसम से कह रहा हूँ, निकम्मा मूवी का ट्रेलर देखकर मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। मतलब कि सच में यार, कोई इतना डम कैसे हो सकता है? जिन फिल्मों की वजह से बॉलीवुड को गालियां पड़ रही है, पब्लिक उन्हें हेट कर रही है, इसके बावजूद वो रीमेक पे रीमेक बनाते जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? सही भी है यार, मतलब इन्हें पब्लिक के लिए मूवी थोड़ी बनानी है, इन्हें तो भाई करना है बिजनेस, और ये अब भी पब्लिक को चूतिया समझ रहे हैं, जबकि है ये खुद। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और अगर निकम्मा जैसी निकम्मी मूवीज निकलती रही तो समझो बॉलीवुड का डी एंड हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो शुरुआत में काफी अच्छा लगा, नए चेहरे नई स्टोरी लग रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रेलर में मिडिल क्लास शब्द आया मुझे शक हुआ और आगे की स्टोरी मेरे शक पर खरी उतर गई। वैसे अभिनव अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, किरले सेतिया एक खूबसूरत बला जो देखने में तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग में अभी भी काफी काम बाकी है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन अगर रीमेक की बात करें तो ये फिल्म तेलुगु सुपरस्टार और मेरे फेवरेट नानी की फिल्म मिडिल क्लास अभय की ही रीमेक है। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आया कि जिस मूवी को हम YouTube पे फ्री हिंदी डब में देख सकते हैं, वो भी अच्छी एक्टिंग के साथ, तो फिर पब्लिक वही फिल्म देखने थिएटर पैसे खर्च करके क्यों जाएगी? किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? वो भी नए चेहरे को देखने, मतलब इस बार तो इसमें कोई सुपरस्टार भी नहीं लिया गया कि उसकी वजह से पब्लिक थिएटर में चली आए। और एक तो मेकर्स ने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये मूवी रीमेक है, मतलब ये लोग पब्लिक को एड़ा समझते हैं। इंडियन पब्लिक को कुछ भी दिखाओ ये देखने को तैयार है। मैं तो सच में समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, लेकिन ये लापरवाही कहीं बॉलीवुड के रास्ते न लगा दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वैसे आपको निकम्मा फिल्म का ट्रेलर कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। चलता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।